हेलो एवरीवन, नमस्कार, नमस्ते। आई एम प्रतीक्षा, प्रवीक्षा लिप टैलेंट में आपका स्वागत है। तो गाइज, आज मैं बात करने वाली हूँ टोनर के बारे में। जी हाँ गाइज, टोनिंग हमारे स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम टोनिंग करने के पहले क्लींजिंग करते हैं। क्लींजिंग करने से हमारे स्किन के ऊपर के पोर्स ओपन हो जाते हैं। अगर हम उसे वैसा ही छोड़ दें तो हमारी स्किन जो एक्स्ट्रा ऑयल प्रोड्यूस करती है तो वो स्किन के ऊपर आने लगती है पोर्स में से। तो उससे क्या होता है, हमारी स्किन डल लगने लगती है और एक्स्ट्रा ऑयली हो जाती है, और ऑयल एक्स्ट्रा होने के कारण हमारे स्किन पर पिंपल्स आ जाते हैं। तो इसकी वजह से हमें डेली टोनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है हमारे स्किन के लिए। आज मैं जो टोनर यूज़ करने जा रही हूँ वो है गुड वाइब्स का ग्रीन टी टोनर, जो कि मेरा फेवरेट टोनर है। आप अपना फेवरेट कौन सा भी टोनर यूज़ कर सकते हो अपने स्किन के हिसाब से। तो मेरा ये फेवरेट ग्रीन टी टोनर है गुड वाइब्स का, जिसका डेमो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बट ये मेरा फेवरेट टोनर है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं काफ़ी टाइम से इसे यूज़ कर रही हूँ और मुझे रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए हैं, और काफ़ी बजट फ्रेंडली है, ये हर कोई इसे ले सकता है। तो आइए मैं आपको इसे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। ये है गुड वाइब्स का ग्रीन टी ग्लो टोनर, और इसका नेट वैल्यूम यहाँ पे दिया हुआ है 200 ml, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा है गाइज, और बहुत बड़ा कंटेनर है ये। और यहाँ पे इसके इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं, और यहाँ पे दिया और ये यूज़ कैसे करना है यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। और ये बहुत बड़ा कंटेनर आएगा, और ये हर स्किन टाइप के लोगों के लिए है, और ये आप देख सकते हो। तो ये ग्रीन टी ग्लो टोनर है, आपको इस तरीके से स्प्रे बॉटल आएगा, यहाँ पे एक छोटा सा कैप है, और ये हम इस तरीके से तो हम ऐसे स्प्रे कर सकते हैं इस तरीके से, और ये बहुत इजी से स्प्रे हो जाता है। और आप इसका टेक्सचर देख सकते हो, बिल्कुल लाइट वेट है और वाटरी टाइप है, और इसकी स्मेल बहुत ब्यूटीफुल है गाइज। तो ये इस तरीके का कंटेनर आएगा, इस तरीके से स्प्रे बॉटल आएगी, और यहाँ पे ये गोल्डन कैप है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 200 ml में आएगा, जो कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है। तो यहाँ पे उन्होंने इसकी प्राइस मेंशन की हुई है, जो कि है 225 rupees ओनली। क्वांटिटी के हिसाब से बहुत अफोर्डेबल प्राइस है, लॉन्ग टाइम तक हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे डेट भी मेंशन की हुई है, जो कि है 2019 में, 9 months में उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की है, और ये एक्सपायरी है इसकी 8/2021, जो कि 2 साल तक हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये इस तरीके से आएगा। तो ये मेरा फेवरेट ग्रीन टी टोनर है। तो टोनर यूज़ करने के बहुत से तरीके होते हैं, कॉटन पैड से भी टोनर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास है ये स्प्रे बॉटल, जो कि स्प्रे बॉटल से मैं स्प्रे करके ये यूज़ कर सकती हूँ, तो मैं कोई पैड यूज़ नहीं करूँगी। टोनिंग करने से पहले मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लीन किया है, उसके बाद ही मैं टोनर यूज़ कर रही हूँ। और मैं टोनर को इस तरीके से डैब डैब करूँगी, और डैब डैब करके मैं इसे इस तरीके से यूज़ करूँगी। हो हमें इसे अच्छे से सेट होने देना है, ड्राई होने देना है, उसके बाद स्किन को टोनिंग करने के बाद हमें वेट करना है 10-15 मिनट तक। उसके बाद ही हमें जो यूज़ करना है, मॉइस्चराइज़र हो या सीरम हो, जो कुछ भी हमें यूज़ करना है, वो टोनिंग के 15 मिनट के बाद ही हमें यूज़ करना है। और टोनिंग करने से पहले हमें बॉटल पहले शेक कर लेनी है, ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है, शेक करके ही हमें बॉटल यूज़ करनी है, उसके बाद ही हमें स्प्रे करना है। मैंने यूज़ करते टाइम शेक कर लिया था, और फिर उसके बाद ही मैंने यूज़ किया, और आप देख सकते हो मैंने अपने स्किन को इस तरीके से तो गाइज मेरा टोनिंग प्रोसेस कम्प्लीट हो चुका है। और टोनिंग करने से पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत अच्छे से क्लींजिंग किया था, उसके बाद ही मैंने टोनिंग किया है, और उसके बाद ही मैं मॉइस्चराइज़र या सीरम यूज़ करूँगी 15 मिनट वेट करने के बाद। और
ये भी ध्यान में रखना है कि हमारा टोनर जब तक ड्राई नहीं होता, सेट नहीं होता, तब तक हमारी टोनिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती। तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।